तो कुछ दिन पहले YouTube क्रिएटर एकेडमी से मैं कोर्स कर रहा था हाउ टू ग्रो योर ऑडियंस। तो वहां मुझे सिखाया गया कि टेक्स्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके व्यू के लिए भी और आपके रेवेन्यू के लिए भी। तो अगर आप सही तरीके से टेक्स्ट को यूज करेंगे तो आपके रेवेन्यू बढ़ेगी, व्यू भी बढ़ेगा, और व्यू बढ़ेगा तो सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में पूरी टेक्स्ट से रिलेटेड आपको जानकारी देने वाला हूँ कि सही तरीका क्या है टेक्स्ट डालने का, और कंप्यूटर में ये भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है सही तरीके से टेक्स्ट डाल सकते हैं एक मोबाइल का यूज करके। तो मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं नॉलेज ट्रांसफर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों बहुत बार आपके मन में सवाल आता होगा कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसे व्यू नहीं मिलते जितने आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है कि आपने उस वीडियो में टैग्स सही नहीं डाले हैं या फिर डाले ही नहीं है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा है और कहा है कि दे वीडियो में हमें व्यू नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ लोगों के वीडियो जो मैंने जाके देखे अपने सब्सक्राइबर के, जो मुझसे कह रहे थे कि उन्हें व्यू सही नहीं मिल रहा है, तो मैंने देखा कि या तो उन्होंने टैग डाला ही नहीं है या कुछ लोगों ने डाला भी तो वो सही नहीं डाला है। जैसे देखिए इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये हमारे एक सब्सक्राइबर का वीडियो है, इसमें इन्होंने कहा था कि इन्हें व्यू नहीं मिल रहा है। तो मैंने जब जाके देखा कि इनके टैग्स में तो इन्होंने एक भी टैग्स यहाँ नहीं डाला है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जो व्यू मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो मिलते हैं सजेस्टेड वीडियो से, यानी YouTube आपके वीडियो को लोगों तक सजेस्ट करता है और उस हिसाब से मिलते हैं। यानी आप देखेंगे किसी भी चैनल का 70% तक व्यू जो होता है ना वो मिलता है सजेस्टेड वीडियो से। जैसे मैं अपने ही चैनल का अगर आपको एनालिटिक्स दिखाता हूँ, यहाँ ट्रैफिक सोर्स में देखिए, ट्रैफिक सोर्स में मैंने लाइफ टाइम का ट्रैफिक सोर्स सेलेक्ट किया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मुझे करीब करीब 60% व्यू जो मिले हैं वो सजेस्टेड वीडियो से मिले हैं। तो सजेस्टेड वीडियो दोस्तों वही है कि आप जब किसी वीडियो में टैग डालते हैं तो वो टैग जो है ये बताता है कि आपके वीडियो का कंटेंट क्या है। मतलब उस टैग को देख के गूगल का और यूट्यूब का एल्गोरिथम ये समझता है कि आपके वीडियो में है क्या, और उसी हिसाब से उसमें क्या कंटेंट है, क्या चीज़ के ऊपर वो वीडियो है, ये देख के YouTube जो है वो सही लोगों तक वीडियो को सजेस्ट करता है। यानी कि अगर कोई एक रेसिपी का वीडियो किसी ने बनाया कि हाउ टू मेक पराठा, तो उसमें अगर उसने सही टेक्स्ट डाला है कि पराठा, हाउ टू मेक पराठा या फिर इंडियन रेसिपी, इस टाइप के जो सही टेक्स्ट अगर डालेंगे तो जो भी लोग इंडियन रेसिपी में इंटरेस्टेड हैं या फिर जो भी लोग पराठा बनाना चाहते हैं तो वो उन तक यूट्यूब जो है वीडियो को पहुँचा पाएगा। तो आप अगर टेक्स्ट सही नहीं डालेंगे तो आपका वीडियो जो है सही लोग तक नहीं पहुंचेगा, तो कैसे आपके व्यू बढ़ेंगे, है ना। जैसे कि मैं आपको अपने कुछ वीडियो का टैग्स दिखाता हूं कि जैसे मैंने डाला है यहां पे, जैसे मैं वीडियो मैनेजर में चला जाता हूं और वीडियो मैनेजर में जाने के बाद किसी भी एक वीडियो को हम एडिट कर लेंगे। यहां पे ये लोड हो रहा है। तो जैसे कि मैं अगर बात करूं कॉमन प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल यूट्यूबर की, तो इस वीडियो को मैं एडिट कर लेता हूं। हां जी, तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह के कुछ टैग्स डाले हैं जो कि मेरे वीडियो को बताते हैं कि ये इसका कंटेंट क्या है, ठीक है ना। ये वीडियो जो है वो स्मॉल यूट्यूबर्स के प्रॉब्लम्स को लेके है और उसका सोल्यूशंस को लेके है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एक स्मॉल यूट्यूबर को किस तरह की प्रॉब्लम होती है और उसका सोल्यूशन क्या है, तो मैंने आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जैसे देखिए कि मैंने यहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम ऑफ यूट्यूबर, 5 common problems ऑफ स्मॉल यूट्यूबर, ठीक है ना, फिर अपने चैनल का नाम भी मैंने डाला है ताकि इसे पता चल जाए कि ये जो है मेरे चैनल का कंटेंट है। तो इस हिसाब से देखिए अब कुछ कुछ टैग्स तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये जो है कॉमन प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल यूट्यूबर या कॉमन प्रॉब्लम ऑफ यूट्यूबर जो, तो इससे अगर कोई सर्च करता है तो उस मेरा रिजल्ट जो है वो 2 number पर रैंक करता है। ये भी एक मेरे लिए फायदे की बात हो जाती है। और दूसरा जो है कि दूसरे जो यूट्यूब वीडियोज हैं जो कि इस यूट्यूबर्स के प्रॉब्लम या यूट्यूब ट्यूटोरियल को लेके हैं, तो उस पर मेरा ये वीडियो जो है सजेस्टेड में दिखेगा। आपको पता होगा सजेस्टेड वीडियो कैसे होता है, जैसे कि ये वीडियो चल रहा है तो इसके आसपास में जो भी ये वीडियो देखिए सजेस्टेड है। तो यूट्यूब ने जो भी फील्ड यहाँ दिया है, आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं, यहाँ जितने भी फील्ड यूट्यूब ने दिए हैं सारे फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है।
और उसमें टैग्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसमें आपको डालना है। तो अगर आप डेस्कटॉप से या कंप्यूटर से अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आप एडिट, वीडियो अपलोड होने के बाद आप एडिट मोड में जा सकते हैं उसी समय, या फिर उसी समय जो है आप यहाँ पे टैग्स को डाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने कुछ तरह तरह के टैग्स डाले हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से मैं टैग्स डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले तो आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स जो है आपके वीडियो से रिलेटेड वो डाल देने हैं, जैसे कि मेरे देखिए कीवर्ड जो कि यानी कि सिंगल वर्ड के जो कीवर्ड है, तो मेरा इस वीडियो के हिसाब से आप देख सकते हैं कीवर्ड है स्मॉल यूट्यूबर प्रॉब्लम कॉमन, ठीक है ना, यूट्यूब। तो इस तरह के वीडियो जो है मेरे कीवर्ड आते हैं इस वीडियो में, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है यूट्यूबर यूट्यूब स्मॉल यूट्यूब टिप्स हिंदी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कुछ टैग्स मैंने डाले हुए हैं। इसके अलावा अब क्या होता है, दूसरी बात जो आती है आपको यहाँ पे कंपाउंड कीवर्ड भी डालने होते हैं जो कि टैग्स यानी कि जिस तरह से लोग सर्च करते हैं, है ना। तो जैसे कि लोग सर्च कर सकते हैं स्मॉल यूट्यूबर प्रॉब्लम, तो देखिए यहाँ पे तीन तीन वर्ड है तो इसको हम लोग कंपाउंड टैग्स बोलते हैं। तो इस तरह से आप जो है मल्टीपल वर्ड्स के भी जो है टैग्स डाल सकते हैं, ठीक है। और कुछ जेनेरिक टैग्स भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि जैसे यहाँ पे मैंने डाला हिंदी क्योंकि मेरे वीडियो हिंदी में है, तो ये कीवर्ड नहीं है लेकिन ये एक जेनेरिक टैग है, तो हिंदी जो भी लोग सर्च करेंगे तो उसके हिंदी वीडियो जो लोग देखते होंगे उसके साथ ये मेरा वीडियो जो है वो रिलेटेड पोस्ट में दिख सकता है। तो आपको टैग डालने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे आपको लिखना है कोई भी टैग जो आप डालना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद आप कॉमा दे देंगे तो ये अपने आप जो देखिए यहाँ पर टैग जो है तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे टैग्स डाल सकते हैं, तो ये जरूरी है कि आप इस पे ये रखें। और एक चीज एकदम बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आपके टैग्स 500 कैरेक्टर से ज्यादा हो जाते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो आपके सारे टैग्स को इग्नोर कर देता है, मतलब एक भी टैग्स को रीड नहीं करेगा अगर आपके 500 से ज्यादा हो सकते हैं। खैर ऐसे आप 500 ज्यादा सेव भी नहीं कर पाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो, लेकिन फिर भी किसी तरह से आप ये गलती ना कीजिए। और टैग्स ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी डाल दीजिए, ये बहुत ध्यान में रखिए आपको हमेशा अपने कंटेंट से मिलता जुलता टैग ही डालना है। अगर आप इसमें जैसे कि ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है यूट्यूब से रिलेटेड, इसमें अगर मैं कॉमेडी या फनी या प्रैंक इस तरह के वीडियो इस तरफ का टैग अगर डाल देता हूँ व्यू ज्यादा पाने के लिए, ज्यादा लोग तक पहुंचने के लिए, तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए मुझे व्यू मिल जाए लेकिन YouTube का एल्गोरिथम अगर उसको पकड़ लेता है तो आपके चैनल को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए क्योंकि YouTube स्पैम के एकदम खिलाफ है, तो वो नहीं चाहता है कि लोग गलत तरीके से टैग को यूज करके जो है स्पैमिंग करे और गलत कंटेंट गलत लोगों के पास पहुंचे। जैसे कि इस वीडियो में कॉमेडी का कुछ भी नहीं है और अगर मैं कॉमेडी टैग या रेसिपी टैग लगाता हूं तो पहला चीज ये होता है कि ये वीडियो जिनके पास पहुंचेगा वो लोग शायद इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और दूसरी बात गूगल का एल्गोरिथम अगर इसे गलत कंटेंट या मिसलीडिंग समझेगा तो आपके चैनल को सस्पेंड किया जा सकता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कि आपका जो अर्निंग है वो भी टैग्स पे डिपेंड करता है। कैसे? क्योंकि यूट्यूब जब भी कोई ऐड आपके वीडियो पे चलाता है वो आपके वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन के अलावा आपके वीडियो को टैग्स को भी देख के चलाता है, यानी उसी टैग्स को पढ़ के यूट्यूब ये डिसाइड करता है कि इस पे कौन सा ऐड चलाना है, ठीक है ना। जब एडवर्टाइजर अपने ऐड देते हैं तो साथ में वो ये भी बता देते हैं कि किस तरह के लोगों को ये ऐड दिखाना है, तो उस तरह उस केस में क्या होता है यूट्यूब जो है वो आपके वीडियो के टैग्स को पढ़ के वो समझता है कि यहाँ पे किस तरह के एड जो है वो चलाने हैं, ठीक है ना। तो वो भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अगर सही टैग्स डालोगे तो आपके चैनल पे अच्छे एड्स दिखेंगे, और अगर आप गलत सलत टैग्स डालोगे या फिर अगर नहीं डालोगे तो YouTube डिसाइड ही नहीं कर पाएगा, YouTube समझ ही नहीं पाएगा कि आपके चैनल पे या आपके वीडियो पे किस तरह के एड्स चलाने हैं। तो हो सकता है कि 100 व्यू पे हो सकता है आपके 5-7 या 10 बार ही एड चले, लेकिन आप अगर सही टैग्स यहाँ डाल के रखोगे तो इस टैग से रिलेटेड जितने भी एड होंगे वो आपके चलेंगे, तो वो यूट्यूब समझ पाएगा कि यहाँ पे कौन से एड्स चलाने हैं। तो हो तब क्या होगा कि आपके 20-30-40% जो है एड आपके वीडियो पे चलेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी वाली बात ये हो जाती है कि बहुत लोग सवाल करते हैं कि मेरे वीडियो पे व्यू आ रहे हैं लेकिन एड्स नहीं आ रहे हैं, एड्स नहीं चल रहे हैं। इसका ये भी एक कारण हो सकता है कि अगर आपने टैग्स नहीं डाले तो आपके चैनल पे एड्स नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ से तो आप जान गए हैं कि इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद साथ साथ मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस या फिर एक आईफोन यूज करते हैं, आप फोन से वीडियो को अपलोड करते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं टैग्स डाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक एंड्रॉयड डिवाइस यूज कर रहे हैं तो आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना होगा क्रिएटर स्टूडियो। तो जल्दी से हम चले जाते हैं अपने प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा
क्रिएटर स्टूडियो, और जब आप क्रिएटर स्टूडियो सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए दिखता है यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो। तो ये देखिए ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं इसे सीधे सीधे कर लूँगा ओपन। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आपने इंस्टॉल कर लेना होगा। तो ये जब अभी आप ओपन करते हैं तो ये जो है आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड दिखता है। यहाँ अगर आपको अपना चैनल नहीं दिख रहा तो आप इधर इस मेनू पे क्लिक करके यहाँ से अपने चैनल को चेंज कर सकते हैं। जैसे तो मैं फिलहाल नॉलेज ट्रांसफ़र चैनल को ही सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको जब आप वीडियोज़ है इसमें मोर में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे वीडियोज़ जो हैं दिख जाते हैं। और तो इसमें से किसी भी आप एक वीडियो पे जो है टैप करते हैं, और किसी भी एक वीडियो पे जैसे कि वही वीडियो मैं वापस से खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे टैप करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ऊपर में एक जो है एडिट का बटन दिख जाता है। आप यहाँ पे जब एडिट टैप करते हैं तो यहाँ नीचे में आप जाएंगे, देखिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है टैग्स। ठीक, अब आप सीधे सीधे जो है कॉमा देके आप सारे टैग्स जो कि देखिए मैं वहाँ से डाला था यहाँ पे, सारे टैग्स आप कॉमा सेपरेट करके डाल सकते हैं। और ऊपर में यहाँ पे एक सेव का बटन दिखता है जिसको आप सेव कर सकते हैं। तो अगर आपने चेंज किया तो आप इसे सेव कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।